नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। हमारे साथ फिलहाल राजू जी है जो डाई हार्ड फैन है शाहरुख खान के। सर बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड क्रेजी पर। पठान के 1000 करोड़ हो गए हैं और हिंदी में 500 करोड़ नेट कलेक्शंस, क्या कहेंगे सर? नमस्ते, मेरा नाम है राजू रई कुमार जूनियर शाहरुख खान। मैं मुंबई शहर से हूँ और तकरीबन कुछ 29 ईयर से मैं शाहरुख साहब की कॉपी कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको हाल ही में बता दूँ कि जब फैन का मुझे अपना इंटरव्यू लेने गया था पठान का, मुझे हमारे चैनल वालों ने पूछा था कि जो आने वाली है पठान वो कैसे जाएंगी। मैं भविष्यवाणी नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि 0 के बाद लॉकडाउन लगा, 2.5-3 साल उसमें निकल गए। अभी जो दर्शक है शाहरुख साहब के, जो चाहने वाले, जो उन्हें प्यार करते हैं, वो वर्ड ये वेट कर रहे थे कि शाहरुख साहब कब आए। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 साल तो शाहरुख भाई नहीं आए, लेकिन कोई लोग सोचते थे कि भाई सोशल मीडिया में कुछ बोल दे, कुछ ऐड कर ले, कुछ ये कर ले, तो नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि जिस दिन शाहरुख भाई आएंगे, ब्लॉकबस्टर फिल्म हिट जाएंगी, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी बिल्कुल, और ये ट्रू था। बिकॉज क्योंकि क्या है, अपने स्टार को कौन नहीं देखना चाहेगा, जिनसे आपने प्यार करना सीखा, उनके पास से मैसेजेस मिलते शाहरुख साहब की तरफ से। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कभी एब्रॉड शोज़ करने जाता हूँ तो जो प्यार शाहरुख साहब को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा हमें दिया जाता है। बिकॉज क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं उनका लाइफ का एक ऐसा प्रमोटर हूँ कि हर जगह वो नहीं जा पाते तो मैं जाके शोज़ करता हूँ और वावाई ले लेता हूँ। लोग साथ में फ़ोटोज़ निकाल लेते, ऑटोग्राफ ले लेते हैं, वीडियोज़ बना लेते, रील बना लेते, तो हमें भी अच्छा लगता है यार कि जिनकी हम कॉपी कर रहे हैं। एक माँ बाप के नाम से एक बच्चे का नाम चलता है, मेरी पहचान ही शाहरुख साहब के नाम से है। सर 25 जनवरी 2023 को एक फिल्म आई थी, 30 दिन पूरे कर चुके, 1 महीना पूरे कर चुके हैं। कितना बढ़िया फील होता है कि बॉलीवुड की एक वापसी करने में शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिन्हें लोग कहते थे कि भाई आप रिटायर हो जाओ, ये कितनी बड़ी बात है। नहीं सर, मैं आपको बताऊँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, हम राइट पर्सन नहीं किसी के बारे में बोलते। बिकॉज क्या होता है, जो ऑडियंस होती है ना वो माई बाप होती है। क्योंकि वो कहते ना, एक लाइन है, आर्टिस्ट से स्टेज होता है, स्टेज से आर्टिस्ट नहीं होता है। जो स्टार है वो ऑडियंस की बेस पे चलता है पूरा, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सचिन तेंदुलकर साहब को देख लो, अगर वो 0 पे आउट हो गए तो लोगों के एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं, अगर यार 0 पे आउट नहीं होना चाहिए, 100 होना चाहिए। वैसे शाहरुख भाई ने इतनी क्रिएटिविटी, इतना काम करके दिया है, ओवरसीज में इतना नाम कमाया है, तो मैं क्या, कोई भी व्यक्ति जाएंगा ना तो उनको शाहरुख भाई 1000% अलग दिखना चाहिए, अलग काम होना चाहिए, तो पब्लिक एक्सेप्ट करती। तो वो भी मेहनत करते, कोशिश करते कि वो लोगों को खुश कर सके। और रही इसकी बात, शाहरुख साहब एक पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने ओवरसीज मार्केट बनाया, लोगों को बताया इंडस्ट्री के ओवरसीज मार्केट क्या होता है। हमारी जो फिल्में होती थी हिंदुस्तान तक ही सीमित होती थी, लेकिन शाहरुख साहब ने हिंदुस्तान से ज़्यादा कहीं ओवरसीज़ में जो फिल्में चलती है शाहरुख साहब की, मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन एक साहब ही ऐसे है जिनकी हर जगह फिल्में चलती हैं। डाइट फैन है लोगों से उनके, बिल्कुल। जर्मनी हो सर, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री लीजिए, मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कनाडा गया हूँ शो करने, लंदन गया हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ शाहरुख साहब का क्रेज़ देखता हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ सिटी तो ऐसी ऐसी कंट्री जहाँ मैं फर्स्ट टाइम गया, बाद में शाहरुख भाई गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, कुवैत मैं गया हूँ, मेरे पास शाहरुख साहब गए, और मैं गया था फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका, तो मेरे पास उसी थिएटर में सेम हॉल में शाहरुख भाई का शो है 2 महीने के बाद, और मैं पोस्टर देखता हूँ। तो फिर मुझे लगता है यार मैं इतना लकी हूँ कि मैं पहला शो करूँ, मेरे बाद में सीनियर मेरे शो करने वाले, तो ये इत्तेफाक के साथ ये होता है बहुत चीज़ें। मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, शाहरुख खान सर का जब डाउनफॉल चल रहा था, झूठ नहीं, पिछले 4 साल में वो ब्रेक लिए थे, डाउनफॉल नहीं बोलेंगे, ब्रेक लिए थे, और उसके पहले की कुछ फिल्में उतनी चल नहीं रही थी, तो ऐसे में आप उनके सबसे बड़े फैन हैं, क्या होती है जब नेगेटिविटी उनके बारे में होती है या कुछ ऐसा, क्या बीतता, मतलब अंदर क्या कुछ रहता है आपके? सर मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ, हमारा जो कैरियर है पूरा शाहरुख साहब के ऊपर डिपेंड होता है। जब वो बहुत हाइप पे होते तो हमें भी काम बहुत मिलता है, अगर वो काम नहीं करते हैं तो हमारे पास काम कम हो जाता है। बिकॉज क्योंकि लोग उस लोक में, उस काम में देखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई फिल्में फ्लॉप भी होती है, फ्लॉप इन द सेंस कि एक्टर तो अपना 100% देता है, सब करके देता है, लेकिन क्या ऑडियंस की चॉइस के ऊपर है साहब, किसको क्या पसंद आए, लेकिन उस पर भी हमें काम की चीज़ मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ले लीजिए, तुम्हारा 0 रिलीज़ होने के बाद लोगों ने उसको नहीं समझा, लेकिन उसकी जब मेकिंग आई यूट्यूब पे, लोगों ने देखा तो उन्होंने देखा एक सीन को 3-3, 4-4 बार भाईजान ने किया है, इट्स नॉट जोक साहब, इतनी मेहनत कोई नहीं करता साहब, अपने डेडिकेशन, अपने काम में इतनी मेहनत, मेरे ख्याल से शाहरुख साहब से ज़्यादा मैंने किसी को नहीं देखा साहब। नहीं सर, उनकी बात ही अलग है साहब, क्योंकि आदमी की आप मेहनत देखिए साहब, उन्होंने ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें दी है ना इंडस्ट्री को, कोई दे ही नहीं सकता, इस लेवल पे लाके खड़ा ही नहीं कर सकता जो शाहरुख साहब ने दे दिया। हम बोलते पिक्चर फ्लॉप है, लेकिन उस पिक्चर से किसी ना किसी को कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है, और फैन के लिए तो सिर्फ शाहरुख भाई है। जी
सिर्फ शाहरुख भाई और कुछ नहीं सर। देखो स्टार के आगे मैं स्टार इसलिए नहीं लगा सकता, लोग बोलते हैं यार क्या स्टार दोगे आप, उस स्टार को आप स्टार दे सकते क्या सर? आप दे ही नहीं सकते स्टार को स्टार, क्योंकि स्टार सिर्फ एक स्टार है, वो आपका एंटरटेन के लिए पैदा हुआ और आपको एंटरटेन ही करते रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। तो आप फ्लॉप हिट से ये मत कीजिए। और रही क्या हम कि जो शाहरुख भाई ने ब्रेक दिया, वो ब्रेक इसलिए दिया अपने आप को क्योंकि सर क्या होता है कभी कभी अपने आप को एक लाइफ में क्वेश्चन मार्क दे देना चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि क्या होता है उससे हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो उससे आइडिया मिलती है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी था इस सब चीज़ का ना, इसलिए उसके वजह से तो शाहरुख भाई आए। वो जो 4 साल का जो लावा अंदर जो भरा हुआ था वो पठान में दिख गया, इतना एक्शन तो मेरे ख्याल से शायद कोई फिल्मों में शाहरुख साहब ने नहीं किया। उन्होंने सब दिखा दिया उसमें, उन्होंने कॉमेडी दिखा दी, उन्होंने एक्शन दिखा दिया, उसमें रोमांस दिखा दिया, हर चीज़ दिखा दी। कभी आप सोच सकते कि जो रोमांस किंग होने के बाद में वो कभी एक्शन कर सकेंगे, लेकिन इतना किया है उन्होंने। और वो जॉन साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लगता है कि कोई हम देख रहे। और सर इस उम्र में एप्स बना लेने से नॉट जोक सर, लोग उस ऐसे इस एज में लोग रिटायर हो जाते, घर पे बढ़ जाते। वो आपको बता दिया उन्होंने कि मैं वो एज का नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं अभी भी यंग हूँ और वो जिंदगी भर यंग रहने वाले। एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा मैं, फैन बॉयज बहुत होते हैं सोशल मीडिया पे, शाहरुख फैंस वर्सेस सलमान फैंस, कभी अक्षय फैंस, कभी अजय देवगन फैंस, ये फैन बॉयज जो होते हैं जो फैंस करते हैं, ऑफ कोर्स एक्टर के फैंस ही करते हैं या जो है ना उनको फॉलो करते हैं, ये इसके बारे में आप क्या राय, क्योंकि कोई फिल्म चलती है नहीं चलती उसके बारे में बोलते हैं इसका करियर खत्म, उसका करियर खत्म, फैन बॉयज जो होते हैं सोशल मीडिया उस पर क्या आपका रिएक्शन रहेगा, अक्षय शाहरुख सर, शाहरुख सलमान, सलमान अक्षय, जो भी? सर मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी हम इन्हें लुक लाइक बोलेंगे अभी हम उस ज़माने से करें जब उस ज़माने में मीडिया नहीं होता था सर, सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था, उस ज़माने से हम काम करें। आजकल तो लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, जहाँ अपना आप टैलेंट दिखा सकते हो। ऐसे बहुत सारे शाहरुख साहब के लुक लाइक है जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी आज के जनरेशन के शाहरुख भाई दिखते हैं वो, हम ओल्ड इज़ गोल्ड है। तो सर किसी ना किसी को तो आना है। अब जैसे अक्षय कुमार साहब के है तो अक्षय कुमार साहब एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है तो उनके लुक लाइक तो होना जरूरी है। मैं लुक लाइक इसलिए कहूँगा सर क्योंकि वो कॉपी करते सर, अगर आप किसी की कॉपी करते हो लुक लाइक हो सर आप, देन दूसरी बात क्या सर, वो उनका रोजगार बन जाता है, उनसे वो पैसे कमाने लगते हैं। तो फैन की कोई लिमिट नहीं होती, फैन क्या होता है सर उनके जैसे कपड़े पहनना स्टाइल मारना का, उसको फैन बोलेंगे। हम फैन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ये रोजगार है सर, इससे हमारा काम और हमारा घर चलते बिकॉज क्योंकि हमें पता है हमें क्या मिल रहा है। और हर आदमी ये चीज़ कैप्चर नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि यार हम जो ये काम कर रहे हैं इससे हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कोई भी एक्टर को अगर आप फॉलोअप कर रहे हो, उनकी एक्टिंग कर रहे हो, तो आप स्टेज पे बाकायदा परफॉर्मेंस देके पैसे कमा सकते हैं। ये कमाने का एक जरिया है और हर इंसान ने कमाना चाहिए, जो भी स्टार की आप कॉपी कर रहे हो। जी जी, लास्टली कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे शाहरुख खान का, पठान का, फैंस को क्या आप कहना चाहेंगे और आपको कैसे फॉलो करें, कैसे जुड़े आपसे? आप राजू रईकवार सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम पूरा नाम है RAJU राजू रईकवार, RAHIKWAR रईकवार। मैं कुछ तकरीबन 95 से शाहरुख साहब की कॉपी कर रहा हूं मैं। ऐसा कौन से फिल्म का डायलॉग से जो आप सुनना चाहेंगे? तो फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बजगर भीख किस दौलत की बात करे तुम, जिस दौलत किस तुम्हारा बाप चोपड़ा पैर का बादशाह भरा बड़ा था, अरे मेरे पिता की थी मेरी है, ऐसा डर कर ले लीजिए। आई लव यू किरण, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम सुनील से मिलना छोड़ दो, और जिसकी आवाज़ में इतनी गर्मी और सांसों में इतनी नरमी हो, अरे वो कोई आशिक हो सकता है, पार्टी पठान के घर में रखोगे। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं साहब जो हम लोग करते रहते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है शाहरुख साहब से। मैं शाहरुख साहब के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, उनके फैन से, उनके चाहने वालों से, जितना प्यार शाहरुख साहब को आपने दिया पूरी ज़िंदगी भर उनके पूरे परिवार को उन्हें देते रहिए। आशीर्वाद हर एक कलाकार पर बनाए रखे, हर एक्टर पर बनाए रखे, क्योंकि ये एंटरटेन हमें करते तो हमारी लाइफ थोड़ी सी ऊपर जाती है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ ज़िंदगी में कुछ किया है। तो एंटरटेनमेंट ख़त्म मत कीजिए, और आप जिस जिस के भी फ़ैन हो मैं सबके रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मत सोचो कि राजू रईकवार उसका शाहरुख साहब का फ़ैन है तो मैं उनके बारे में, आप हर, मैं सलमान साहब को बहुत पसंद करता हूँ, शाहरुख भाई, आमिर भाई, अमित जी, ये सब है, सब है। तो आप लोग भी उन्हें उतना ही प्यार दीजिए जितना अपने परिवार में देते हैं, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, और इस राजू रईकवार को इजाज़त दीजिए। और थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और आप जी बिल्कुल जवान दुमकी आ रही है, क्या लगता है वापस से बवंडर लाने वाला शाहरुख भाई? सर वो तो अब ऐसा है सर, अब वो कोई रोक नहीं सकता सर, तूफान को कोई नहीं रोक सकता सर। मैं आपको बताऊँ सर, क्वेश्चन मार्क शाहरुख साहब ने लगाया सर, अब पब्लिक इसका रिव्यू देंगी सर। और सर अभी जो फिल्में आ रही ना सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत अलग टाइप की फिल्म है शाहरुख भाई की, जो आप मैं इमेजिन नहीं कर सकते। आप डंकी की बात कर रहे हो, फिल्म सिटी में काफ़ी शूट हुआ इसका, और आप यकीन हो डंकी ऐसी हीट है सर, बिकॉज क्योंकि उनके पीछे जो डायरेक्टर साहब है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है कौन है वो सर, ऐसी देते हीट क्योंकि उन्होंने कभी फ्लॉप दिया ही नहीं सर। अब जैसे शाहरुख साहब ने एक डायलॉग्स बोला था कि यार ऊपर वाले ने मुझे एक बालकनी का टिकट दिया है,
और मैं हमेशा बालकनी में रहता हूँ। तो अब जो पब्लिक ने शाहरुख साहब को जो प्यार दिया ना, अब ये प्यार कम नहीं होगा सर, अब ये लास्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड है, इसके बाद कोई दूसरा सुपरस्टार हो ही नहीं सकता सर। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।